गुड मॉर्निंग गाइस, सीएलसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग है फंक्शन की के, जिन्हें हम फॉर्मूला की भी कह सकते हैं, और यह है कि F1 से लेकर F12 तक कंप्यूटर में कीबोर्ड में होती हैं। तो हमारे सबसे पहले जो की है F1 की, जिसे कंप्यूटर में सिर्फ हेल्प पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड आ जाती है हमारी F2 की, जिसे रीनेम और रीलोड, रीनेम जहां पर अगर सपोज करो आप डाटा बना रहे हैं, डाटा को बना रहे हैं किसमें, एमएस एक्सेल में, और आप डाटा में सेल को अगर एडिट करना चाहते हैं, वहां पर आप F2 की को यूज कर सकते हैं, जिससे आप उस सेल को एडिट कर सकते हैं। अगर आप नेट सफरिंग यूज कर रहे हैं और वहां पर आप उस चीज को या उस साइट को आप रीलोड करना चाहते हैं, तो आप वहां पर भी F2 की को यूज कर सकते हैं। F3 की जो है फॉर सर्चिंग पर्पस के लिए होती है। अगर आप कोई भी चीज सर्च करना चाहते हैं इंटरनेट पर, कोई भी टॉपिक सर्च करना चाहते हैं, तो वहां पर आप F3 की को यूज कर सकते हैं। F4 की, इसका पर्पस शटडाउन के लिए होता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए होता है। इसके लिए आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में एल्ट के साथ उस की को, अगर F4 की को अगर प्रेस करते हैं, तो आपकी ओपन की गई विंडो या कंप्यूटर को शटडाउन करने के लिए आप इस की को एल्ट के साथ प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका F5 की। F5 की रिफ्रेशिंग के लिए यूज की जाती है, जो विंडो को या एप्लीकेशन को कंप्लीट रिफ्रेश कर देती है। इसके अलावा पीपीटी में, अगर पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम F5 की को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा F6 की। F6 की हाईलाइट कर देती है एड्रेस को। हाईलाइट करने के लिए हम F6 फॉर्मूला की को यूज करते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट F7 की, ये कंप्यूटर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। F7 जो की है वो स्पेलिंग चेकिंग के लिए और ग्रामर मिस्टेकिंग के लिए F7 की को यूज किया जाता है। नेक्स्ट F8 की, बूट मेन्यू कंप्यूटर को बूटिंग पर्पस के लिए ये F8 की यूज की जाती है। नेक्स्ट F9 की, रिमूव सेलेक्टेड आइटम, इट मींस आपने कोई सेलेक्ट आइटम कर रखा है और आप उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट F9 की को प्रेस कर दें, जिससे वो सेलेक्टेड आइटम रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका F10 की, एक्टिव ऑफ मेन्यू बार इन एमएस वर्ड। यह मेन्यू बार, एमएस वर्ड में जो मेन्यू बार होती है उसको एक्टिव कर देता है। F10 की को जैसे आप प्रेस करेंगे एमएस वर्ड में, तो जो आपकी मेन्यू बार है वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है, और वहां पर आप कोई भी ऑप्शन को अगर ओपन अप करते हैं तो वो इजीली या क्विक एक्सेस आपको हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका F1 की जो है आपकी कंप्यूटर में फुल स्क्रीन मोड के लिए होता है। अगर आप कंप्यूटर में फुल स्क्रीन मोड करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट F11 की को प्रेस कर सकते हैं। और F12 की है, ये भी आपकी एज अ क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो F12 जो की है आपकी सेव एज पर्पज के लिए होती है, और यह क्वेश्चन RSCIT में नहीं गाइस, आपके कंपटीशन जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं, लाइक एस पटवार, ग्राम सेवक या SSC या ईच एंड एवरी रिलेटेड कंप्यूटर एग्जाम, उसमें आपकी F12 से रिगार्डिंग या F11 से रिगार्डिंग या F7 से रिगार्डिंग कीज का क्वेरीज जो है बहुत ज्यादा देखा गया है। तो आप इन कीज को अच्छे से लर्न करें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, और गाइस हमारे बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।